Good morning class. Welcome back again in our science class. Today we will continue the reading of chapter 7. So let's start our class. In our previous class we have discussed about inclined plane, wedge and wheel and axle. Today we will start from pulley. Pulley is also a simple machine used to lift heavy loads. पुली आपने देखी भी होगी, क्रेन के आगे लगा होता है, या आपने वेल देखा होगा कुएं पे, आपको जैसे पानी निकालते हो वहाँ पर भी एक पुली लगी होती है। तो पुली इज़ अ सिंपल मशीन टू लिफ्ट हैवी लोड्स, इससे हम इजीली हैवी लोड्स कैरी करते हैं। इट कैन आल्सो मूव ऑब्जेक्ट्स टू प्लेसेस दैट आर हार्ड टू रीच, जहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव करना बहुत मुश्किल होता है, इसकी हेल्प से हम इजीली उसको मूव कर सकते हैं। Less force is needed to lift the object when pulley is used. But of course, जब हम पुली यूज़ करेंगे तो हमें जो फोर्स अप्लाई करना है वो हमें कम लगेगा, राइट? इन अ पुली एन एफर्ट कैन बी अप्लाइड इन वन डायरेक्शन एंड लोड कैन बी मूव्ड इन अनदर डायरेक्शन। हम जहाँ एफर्ट लगाएंगे, लाइक हमने इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाया तो हमारा जो लोड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट? तो फोर्स कैन बी अप्लाइड इन वन डायरेक्शन एंड लोड कैन बी मूव्ड इन अनदर डायरेक्शन। एग्जाम्पल आपको दिया है पुली हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, फ्लैग पोल, क्लोथ लाइन एंड कर्टन स्ट्रिंग हैव पुली। उसके लिए अनदर एग्जाम्पल्स आल्सो हियर, लाइक इन क्रेन, वेल से पानी निकालने के लिए, राइट? नेक्स्ट इज स्क्रू। स्क्रू, ये हमारा स्क्रू है, इट लुक्स लाइक अ नेल, बट नेल जो होता है वो स्ट्रेट होता है, उसमें कोई ग्रूव्स नहीं होते हैं, राइट? तो स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल विद ग्रूव्स कट इन इट, यहाँ पर ग्रूव्स होते हैं इसमें ऐसे। इट हैज अ वाइंडिंग एज कॉल्ड थ्रेड, इसका वाइंडिंग मीन्स ये जो घुमावदार आपके एजेस दिख रहे हैं, इट हैज winding edge called thread, इनको हम कहते हैं thread, जो ये winding edge है, जो घुमावदार edges हैं। It takes less force to insert a screw in wood, ये कम force लेते हैं, screw को अगर हम wood में insert करेंगे तो ये कम force लेगा। It takes less force than a nail, अगर एक nail को insert कर रहे हैं हम एक wood में, वो ज़्यादा force लेगा as compared to screw. Therefore, screw increases force, the thread holds the wood more firmly than a nail. जो thread होता है इसके, यानी कि ये जो winding edge है वो hold करता है wood को firmly. Nail से उतना ज़्यादा force नहीं लगेगा जितना ये firmly उसको hold करेगा. A screw is actually an inclined plane wound around a rod. ये क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने बताया था इंक्लाइंड प्लेन आपका ऐसे होता है लाइक दिस, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह है जो यहाँ पर वाउंड किया हुआ है एक रॉड पे, लाइक अ स्क्रू जैक दैट इज यूज्ड टू लिफ्ट अ कार। स्क्रू जैक होता है ना, जैक लगाते हैं कार में उसको लिफ्ट करने के लिए, और अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए नीचे उसके जैक लगा देते हैं, उसमें हम स्क्रू को घुमाते हैं ना तो वो ऊपर लिफ्ट हो जाती है हमारी कार। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्क्रू, वो इस स्क्रू के प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है। रिवॉल्विंग स्टूल्स एंड चेयर्स, आपने रिवॉल्विंग स्टूल्स देखे होंगे, जिस स्टूल्स पर आप बैठते हो वो घूम जाती हैं, चेयर्स भी आती हैं जो रिवॉल्व करती हैं, ऑफिस में होती हैं यूज, वो भी बेस और चेयर बेस ऑफ मोस्ट लाइट बल्ब्स हैव स्क्रूज, इन सब में स्क्रूज का यूज होता है। अगर आपको यूजेज में पूछा जाए तो ये आपके एग्जांपल्स हैं कि कहाँ कहाँ आपका स्क्रू यूज होगा, क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर एंड योर होमवर्क इज टू रीड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। Okay, students, thank you.